सिर्फ एक रास्ता, आखिरी रास्ता, मर्डर। क्या डर लग रहा है दोस्तों? आपको बता दें कि बॉलीवुड के तीनों ही टैलेंटेड एक्टर जो कि राधिका आप्टे, हुमा कुरैशी और राजकुमार राव, दोस्तों आपको बता दें कि इनकी इस साल की धमाकेदार फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग बॉक्स ऑफिस पर अपने 5 दिन पूरे कर चुकी है। और दोस्तों आपको बता दें कि आज इस फिल्म का 6वां दिन है। दोस्तों 6वें दिन भी ये फिल्म लगातार कमाई कर रही है। तो दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देख चुके हैं और जानना चाहते हैं फिल्म के अभी तक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग एक सस्पेंस फिल्म है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक और इस फिल्म के सस्पेंस के चलते ये फिल्म सभी को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये फिल्म आपको आखिरी तक देखने के लिए मजबूर कर देती। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के सस्पेंस ने सभी का दिल जीत लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती 5 ही दिनों में लगभग 12,50,00,000 की कमाई कर ली थी। और दोस्तों आज इस फिल्म का 6वां दिन और दोस्तों आज के दिन भी ये फिल्म लगभग 1,30,00,000 की कमाई कर रही है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल 6 दिनों का कलेक्शन लगभग 13,80,00,000 का हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि यह फिल्म अपने शुरुआती 8 से 10 दिनों में लगभग 20 करोड़ तक की कमाई कर सकती है। और दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म का बजट मात्र 10 करोड़ है, जो कि पहले निकाल चुकी है, हिट फिल्म बन चुकी है। और दोस्तों आपको बता दें कि यह फिल्म अगर अपने लाइफ टाइम में 15 से 20 करोड़ की कमाई भी कर लेती तो यह फिल्म एक सुपरहिट फिल्म बन जाएगी। तो दोस्तों आपको यह फिल्म कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए और यह फिल्म अपने लाइफ टाइम में कितना कलेक्शन कर सकती है, आपकी राय में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉक्स ऑफिस ज्ञान को।